हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मिरेकल ऑफ लिटरेचर। आज आप लोगों को फिर से लेकर के आया हूँ 40 एमसीक्यू क्वेश्चन 5.1 से सेमेस्टर थर्ड एंड कोर 6 का है ये, और विनोबा यूनिवर्सिटी एंड विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये नेट जेआरएफ और जनरल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है डियर। तो आइए चलते हैं हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 40 यहां पर एमसीक्यूज है 5.1। और एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं डियर, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए है कि इस पर जो है चेतन भगत का 5.1 जो लिखा गया है उस पर जो है राजकुमार हिरानी ने 3 इडियट्स मूवी को बनाया है, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का एपिसोड डियर। तो आइए हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि 5.1 इज द बुक बेस्ड ऑन, ये 5.1 बुक जो है किस पर आपका बेस्ड ऑन है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे व्हाट टू डू एट आईआईटी, नहीं व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी, हाउ टू इम्प्रेस द गर्ल, हाउ टू बी ए मिलीनियर, ये नहीं होगा ठीक। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। ये अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाई वाज रयान ए हीरो, रयान को जो है यहाँ पर हीरो क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर बिकॉज ही सेव्ड आलोक एंड हरी इन रैंकिंग, वो क्या करता है जो आईआईटी में जब इन लोग का दाखिला होता है तो रैंकिंग जब हो रहा होता है किसका, आपका आलोक का हरी को, तो उस समय वो रैंकिंग से बचाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। कहता है व्हाट वाज रयान्स फेवरेट सब्जेक्ट, रयान का फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। रयान का फेवरेट सब्जेक्ट एपी मेक था, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग आ जाते हैं 4 में, व्हाट वाज आलोक प्रॉब्लम, आलोक का प्रॉब्लम क्या था। आलोक का प्रॉब्लम ज्यादा जीपीए नहीं था डियर, आपका हिज फैमिली को हम लोग देखेंगे, हिज सिस्टर उसकी प्रॉब्लम थी, इसकी गर्लफ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड उसकी थी ही नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, क्वेश्चन नंबर 5 में। कहते हैं हु वाज हरीज गर्लफ्रेंड, हरी का गर्लफ्रेंड कौन है। यहाँ पर एक चीज मैं बता दूं कि वहां पर जो है हरी का रोल जो है आमिर खान किए हैं, तो हरी के गर्लफ्रेंड जो है यहाँ पर नेहा चेरियन है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, व्हाई वाज रयान सिक विद द आईआईटी सिस्टम, वो आईआईटी सिस्टम से जो है रयान क्यों खपा हुआ था, वो आईआईटी सिस्टम उसे इसलिए खपा हुआ था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर, क्योंकि बिकॉज ही वांटेड टू समथिंग डिफरेंट, वो चाहता था कि आईआईटी वाला जो सिस्टम है हमारा हिंदुस्तान में सब क्या करता है, बहुत मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे मग देयर कंटेंट, इवन द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस दे क्रैम्प देयर सब्जेक्ट मैटर्स, दैट्स व्हाई ही वांटेड टू चेंज द सिस्टम ऑफ द आईआईटी। नाउ नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम लोग डियर, आ गए हैं व्हाट वाज ऑपरेशन पेंडुलम, ये ऑपरेशन पेंडुलम बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें आप लोग आमिर खान को देखेंगे होंगे 3 इडियट्स में, इन लोग क्वेश्चन पेपर को चोरी करने का प्लानिंग बनाता है। तो ये क्या करता है, ये ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, टू स्टील आईआईटी एग्जाम पेपर्स, इन लोग को आईआईटी एग्जाम, क्योंकि 3 इडियट्स दे डोंट रीड इन देयर टाइम्स, दे बंक मोस्ट ऑफ द टाइम, That's why they were not able to find out their solutions. अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 में आते हैं डियर। कहता है व्हाट वाज डन एट द इंस्टीट्यूट,
उन लोग जो इंस्टी रूप में क्या कर रहा था, एक्चुअली उन लोग जो है थ्री इडियट्स लोग जो है काफी बदमाशी कर रहा था, उन लोग मतलब कि छत पर जाकर के क्या दे वर टेकिंग द बोधका। ये ऑप्शन नंबर जो है आपका बी वुड बी करेक्ट आंसर, बोधका। इट इज ए ब्रांड ऑफ द आपका वाइन का ब्रांड हो गया बोधका, मतलब कि राइस जूस को भी हम लोग बोलते हैं। अब ऑप्शन नंबर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट में, ऑप्शन नंबर 9 में आ जाते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। कहते विच वर द मोस्ट इंटरेस्टिंग कैरेक्टर यू फाउंड। इसमें आपका सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर कौन है, रियान है नहीं, आपका हरी दिखते बाद में आलोक है नहीं, नेहा है नहीं, सबसे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर इसमें कौन है, बी नंबर होगा, हरी होगा। ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 9। नंबर 10 में हाउ डिड नेहाज ब्रदर समीर डाई, वो नेहा का ब्रदर समीर जो है वो समीर चेरियन कैसे डाई किया था, वो जो है वो सुसाइड कर लिया था डियर, क्योंकि वो जो है आईआईटी एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाया और उसके फादर का प्रेशर था कि नहीं आपको जो आईआईटी में ही जाना है। अब क्वेश्चन नंबर आप आ जाते हैं 11 में, व्हाई डिड समीर कमिट सुसाइड, समीर जो है वो कमिट सुसाइड क्यों करता है, तो ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर, बिकॉज ही कुड नॉट गेट इनटू आईआईटी। आपको मैंने बताया पिछले वक्त आपने कि वो आईआईटी को क्वालिफाई नहीं कर पाया, दैट्स व्हाई ये क्या होता है कि वो जो सुसाइड कर लेता है अंडर द प्रेशर ऑफ हिज फादर। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं डियर, कहता है हु वाज रियान्स फेवरेट प्रोफेसर, रियान का फेवरेट प्रोफेसर कौन था, रियान का फेवरेट प्रोफेसर जो है ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर बीरा था, वो प्रोफेसर बीरा उसको काफी लाइक करते थे। और क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में विच डिपार्टमेंट थ्री फ्रेंड बिलोंग, वो थ्री इडियट्स लोग किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते थे, तो इन लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में, व्हाट वाज द डिसिप्लिनरी कमिटी ऑफ द आईटी कोर्ट, ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डिस्को। यहाँ पर यू डोंट थिंक डिस्को मींस द डिस्को डांस, डिस्को मतलब यहाँ पर डिसिप्लिनरी एक आपका कमिटी था वहां पर आईटी सेल में, उसी को हम लोग कहते हैं हु अमंग द फोर अटेम्प्टेड सुसाइड, वह कौन बंदा था जो चार बार सुसाइड को अटेम्प्ट किया, तो ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर, आलोक जो है चार मतवे वो जो है वो डिसाइड करता है। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 16 में, इन विच इंडियन कॉलेज इज दिस नॉवेल सेट, वो किस इंडियन कॉलेज का है, तो आईआईटी दिल्ली का यहाँ पर जो है सेटिंग बैकग्राउंड किया गया है ये आपका ये पूरा नॉवेल में। अब आ जाते हैं हम लोग 17 में, हु वाज़ द नेहा'स फादर इन द नॉवेल, नेहा का फादर कौन है इस नॉवेल में, ये प्रोफेसर चेरियन जो है वो नेहा का फादर है डियर। अब आ जाते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहता है व्हाट वाज़ द हरीज फर्स्ट गिफ्ट टू नेहा, वो आप जो है हरी की यहाँ पर गर्लफ्रेंड कौन है, वो नेहा है जो वहां पर जो है आमिर खान की गर्लफ्रेंड जो है करीना कपूर रहती है, तो यहाँ पर जो है वो लिपस्टिक होल्डर पहला गिफ्ट था जो है वो लिपस्टिक होल्डर जो है वो हरी देता है किसको, नेहा को, वो नेहा जो है चेरियन की बेटी रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाते हैं, कहते व्हाट डिड हरी ड्रिंक जस्ट बिफोर चेरियन भाईवा एंड गोट जीरो एज ए रिजल्ट, वो मतलब हरी जो है वो क्या पीता है, वो बोधका पीता है, वो एक काइंड ऑफ द वाइन है जो है, और वो क्वेश्चन को जो है चोरी करने के लिए जाता है, सॉरी भाईवा देने के लिए जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में, व्हाट इज सो डिफरेंट एट स्पेशल अबाउट द डिस्को मेंशन इन द बुक, ये डिस्को क्या था, ये डिस्को बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये आपका जो है क्वेश्चन जो है कमिंग क्वेश्चन है इस बार के लिए, ये आपका होगा डिसिप्लिनरी कमिटी होगा, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में वहां पर आईआईटी दिल्ली में एक सेल बनाया गया था जिसका डिस्को नाम है, और डिस्को में इन लोगों का काम था आपका उन लोग ये करना।
डिसिप्लिन को आगे बढ़ाना। अब आ जाते हैं हम लोग को सेकेंड टाइटल ऑफ द नॉवेल इज, इस नॉवेल का सेकेंड टाइटल क्या है? तो इसका सेकेंड टाइटल डियर, इसका सेकेंड टाइटल है आपका व्हाट नॉट डू एट आईआईटी, आईआईटी में क्या नहीं करना है, व्हाट नॉट टू डू एट आईआईटी। ये ऑप्शन नंबर टू बी वुड बी करेक्ट आंसर। व्हिच इज द डेब्यूट नॉवेल ऑफ द चेतन भगत, चेतन भगत का डेब्यूट नॉवेल मतलब होता है पहला नॉवेल कौन है चेतन भगत का, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर। इनका पहला नॉवेल जो है डियर वो कौन है, 5.1 है इनका पहला नॉवेल। चेतन भगत बिलोंग टू, चेतन भगत जो है वो क्या बिलोंग करते थे, तो ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट आंसर। एरा ऑफ दी पॉपुलर इंग्लिश लिटरेचर, वो पॉपुलर इंग्लिश लिटरेचर से बिलोंग कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वुड बी करेक्ट आंसर। अब नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 में, चेतन भगत वाज बोर्न, चेतन भगत का जन्म कब हुआ? तो चेतन भगत का जन्म डियर 22 अप्रैल 1974 को हुआ आपका, 22 अप्रैल 1974 को हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में, चेतन फादर वाज, चेतन का फादर का नाम क्या था, सॉरी वो क्या थे चेतन के पिताजी, तो वो आर्मी मैन थे, वो रिटायर्ड आर्मी थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 में, 5.1 वाज ये पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुआ, तो 5.1 जो है डियर वो 2004 में पब्लिश हुआ। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में, विच बुक वॉन हिम द सोसाइटी एक्सीबस अवार्ड एंड द पब्लिशर्स अवार्ड, वो कौन सा बुक जो है उसको एक्सीबस अवार्ड एंड आपका पब्लिशर अवार्ड मिला, तो इसके लिए जो है ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। 5.1 उसका पहला डेब्यूट नॉवल था जिसमें काफी इनको पॉपुलरिटी मिला। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, कहता है 5.1 मेड फिल्म, 5.1 पर किस पर फिल्म बनाया गया, तो ये थ्री इडियट्स पर बनाया गया डियर, ये राजकुमार हिरानी जो इसका डायरेक्टर किए हैं और काफी इंटरेस्टिंग और कॉमेडी पिक्चर है ये आपका। आप क्वेश्चन नंबर 29, मेजर थीम ऑफ द भगत नॉवेल, में चेतन भगत का अधिकांशता नॉवेल का ये सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, थीम क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर वन वुड बी करेक्ट आंसर। इनका लिबर्टी एंड इंडिविजुअलिज्म मतलब कि स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, ये बहुत इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पर इनका नॉवेल में। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 में, हु इज द नरेटर ऑफ द 5.1, तो 5.1 का नरेटर कौन है, तो 5.1 का नरेटर आपका हरी है, ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में डियर, कहता हु इज द वाइफ ऑफ द चेतन भगत, चेतन भगत की पत्नी का नाम क्या है, अनुषा, ये ऑप्शन नंबर डी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, हु प्लेड द रोल ऑफ द नेहा इन थ्री इडियट्स, नेहा का रोल जो है थ्री इडियट्स में कौन किया है, तो आप लोग सब जान रहे हैं डियर कि करीना कपूर जो है नेहा का रोल की है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में, कहता है क्रिस इज द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ, वो क्रिस जो है किसका सेंट्रल कैरेक्टर, अगर टू स्टेट्स आप लोग आलिया भट्ट का देखे होंगे तो उसमें आप पाए होंगे कि क्रिस का रोल वहां पर वो किया है हीरो जो है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग, कहता है ऑन विच टीवी शो वाज भगत ए जज, वो किस टीवी शो में वो भगत जो है चेतन भगत वो जज का काम किया, स्टार एंकर हंट में जो है वो काम किए हैं और वो नच बलिए का भी जज है उसी में। अब अगला हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में डियर, कहते हैं हु इज द राइटर ऑफ थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ का राइटर जो है नो वन इज बट चेतन भगत इज द राइटर ऑफ द आपका थ्री इडियट्स 5.1 का। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, कहते हैं व्हाट वाज द हरी डूइंग व्हेन ही फर्स्ट मेट नेहा हिज गर्लफ्रेंड,
जब वो फर्स्ट टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है तो उस समय वो क्या कर रहा होता है, वो थोड़ा सा मोटा है, प्लम्प है, वो इसलिए क्या करता है डियर, वो जॉगिंग किया करता था, वो ऑप्शन नंबर बी वुड बी करेक्ट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट में 37 में, कहता है हाउ आर दी थ्री पनिश्ड फॉर द ब्रेकिंग इनटू ए प्रोफेसर्स ऑफिस एंड अटेम्प्टिंग टू दे स्टील द एग्जाम पेपर्स। और उन लोगों को जो है एग्जाम पेपर के लिए जो चोरी किया था थ्री इडियट्स मिल करके, उसका क्या पनिशमेंट दिया गया उन लोगों का, तो उन लोगों को जो है सस्पेंडेड फॉर द वन सेमेस्टर में और एक सेमेस्टर तीनों थ्री इडियट्स को जो है आपको सस्पेंड कर दिया गया वायरस के द्वारा। आप नेक्स्ट का आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट आइसक्रीम डिड हरी एट द नेहा ऑलवेज हैव एट द पार्लर। वो आइसक्रीम पार्लर में नेहा और हरी जो है किस फ्लेवर का आइसक्रीम का इस्तेमाल करता था, तो स्ट्रॉबेरी का ज्यादा इस्तेमाल करता था, और ये ज्यादा गर्ल्स लोगों का डिमांडेबल भी है स्ट्रॉबेरी है। और नाउ नेक्स्ट में हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 39, बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, ये क्वेश्चन पूछ भी चुका हुआ है। कहता है फिल्म काई कोची इज द बेस्ट ऑन द चेतन भगत नॉवेल, ये किस चेतन भगत के नॉवेल पर जो है ये काई कोची जो सिनेमा को फिल्माया गया है। अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, क्योंकि ये काई कोची का जो आपका हीरो जो है सुशांत सिंह राजपूत, आप इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन उनका बहुत अच्छा रोल था इसमें, तो इसका थ्री मिस्टेक्स, इनका जो है थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ पर जो है ये मूवी बनाया गया था आपका काय कोची सिनेमा, जो काफी पॉपुलैरिटी को गेन किया। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लिस्ट, व्हाट वर द ऑल इंडिया रैंक्स ऑफ द प्रोटागोनिस्ट, वो थ्री इडियट्स लोगों का रैंकिंग क्या था आईआईटी में, तो रैंकिंग शुरू में बढ़िया था लेकिन इन लोग बाद में गड़बड़ा दिया, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हरी का 326 था, रियान का 97 था और आलोक का 435 था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी वुड बी करेक्ट आंसर डियर। अब हम लोग ये लास्ट है आपका, अब आप अगर ये चैनल आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपके लिए सेमेस्टर थर्ड के लिए मैं और सारा वीडियो सारा यूनिट का सारा बुक से मैं लेकर के आऊंगा नेक्स्ट टाइम से। जय हिंद।